of the new model value. As the word suggests, it is a model value. Model value का मतलब है एक आदर्श उपविधि, ये compulsory उपविधि नहीं। नया bylaws adopt करने का कोई compulsory नहीं, मगर ये recommended। जैसे कि बीमार हो गया, आप तो बुखार भी आया, आपको recommended है डॉक्टर के पास जाके क्रोसिन अनासिन जो भी देगा वो ले लो। लेकिन आप वो ना जाते हुए आप अपना भाई बहन जो भी अदर पड़ोसी उनसे राय लेके क्रोसिन लेंगे तो वो आप दे सकते हो, बराबर ना? उसी तरह से बंधन नहीं, बट इट्स रेकमेंडेड दैट यू गो थ्रू द डॉक्टर। सेम है हियर, वी आर सेइंग 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसके वजह से संविधान में बदल हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में लगभग 167 सेक्शन है, उस 167 सेक्शन में बहुत सारे सेक्शन डिलीट हुआ है, कोई सेक्शन ऐड हुआ है, हर सेक्शन में किधर ना किधर मोर देन 100 प्लेसेस अमेंडमेंट हुआ है। फिर उसके बाद नया कायदा आया है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी इलेक्शन टू कमिटी रूल 2014, उसके बाद महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल में बदल हुआ है, वो भी बहुत सारा रूल डिलीट हो गया, नया रूल आया है तो उसमें बदल हुआ है, बहुत सारा जनरल सर्कुलर्स आया है। ये सब जब हम बायलॉज में देखते हैं वर्ल्ड बायलॉज, उधर लगभग 150 जगह में अमेंडमेंट जरूरी है, 150 जगह। अभी 150 जगह में मान लो 175 बायलॉज है, उसमें 150 बायलॉज में चेंजेस आया है, तो आप वो 150 चेंजेस नहीं करेंगे, कायदा कानून संविधान सर्कुलर सुप्रीम है, तो बार बार उस बायलॉज में क्या है फिर नया कायदा क्या है, तो कंपेयर करना लोगों को तकलीफ है। इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं एज ए कंसल्टेंट, आप नया बायलॉज अडॉप्ट करो, नया बायलॉज में मॉडर्न बायलॉज में आपको कुछ लगा कि ये हमें अच्छा नहीं लगता, ये हमें अच्छा नहीं, उसको डिलीट करो, उसमें अमेंडमेंट करो, संशोधन करो और उसको अपना सोसाइटी का बायलॉ करके करो, क्योंकि 150 जगह में जो चेंजेस हुआ है वो कायदा कानून सर्कुलर में हुआ, संविधान से हुआ है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। आप ना मॉडर्न बायलॉज एज इट इज मत एक्सेप्ट करो, लेकिन जो जो जूना बायलॉज में जहां जहां कायदा में बदल हुआ है उतना तो आपको अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कायदा इज सुप्रीम, बायलॉ इज नॉट सुप्रीम, देयरफॉर एडॉप्शन ऑफ न्यू बायलॉ एज ए पॉलिसी इट इज नॉट कंपल्सरी, बट चेंजेस व्हिच हैज हैपेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच हैज हैपेंड इन द एक्ट, व्हिच हैज हैपेंड इन द रूल्स, व्हिच हैज कम थ्रू द डिफरेंट सर्कुलर्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यू मॉडल बायलॉज, टू दैट एक्सटेंट यू हैव टू चेंज योर ओल्ड बायलॉज एंड अमेंड योर ओल्ड बायलॉज। Are you clear with me? Yes. Adoption of new bylaw is not compulsory, but changes which has happened in the Act, rules and circulars need to be incorporated in the old bylaws through an amendment. Resolution के द्वारा AGM में discuss करते हैं। It has to be how to amend the bylaws or how to adopt new bylaw. आपको कम से कम 14 दिन का नोटिस देना चाहिए, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग आना चाहिए, उसमें एजेंडा होना चाहिए, उस एजेंडा में जूना बायलॉज में क्या क्या तरतूद था, नया बायलॉज में क्या चेंजेस आने वाला है या क्या चेंजेस आप प्रपोज कर रहे हैं, वो क्यों चेंजेस प्रपोज कर रहे हैं, ये सब आपको देना है और उसका कॉपीज आपको जो भी मेंबर पूछते हैं उनको देना है, इंस्पेक्शन के लिए आपका सोसाइटी में रखना है, उसके बाद 2/3 मेजोरिटी उस रेजोल्यूशन को पास करना है, यूनानिमसली किया तो अच्छा है, नहीं तो 2/3 लोगों ने पास करना चाहिए, वो पास करने का 2 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रार को ये देना है, ओल्ड बायलॉ नया बायलॉ जो जो चेंजेस किया है उसके साथ एक फॉर्म से बायलॉ एडॉप्शन का फॉर्म, लगभग 5 एनेक्सेस है, उस 5 एनेक्सेस को भरना है, चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजर उसमें साइन करना चाहिए, जो नोटिस का फॉर्मेट जो नोटिस इश्यू किया है, फिर मिनट्स का कॉपी और ओल्ड बायलॉ न्यू बायलॉ एंड ये 5 फॉर्म जो सर्कुलर के थ्रू रजिस्ट्रार ने बताया, ये सब फॉर्म को देखिए आपको सबमिट करना है 2 महीने के अंदर, उसके बाद रजिस्ट्रार उसमें स्क्रूटिनी करेगा और आने वाला दो महीने के अंदर वो आपका एडॉप्ट न्यू बायलॉज का एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट किया तो आप अपील कर सकते हो, नॉर्मली रिजेक्ट नहीं होता है वो उसको करना ही, और राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट में एडॉप्शन ऑफ बायलॉज हैज टू बी डन विद इन 2 मंथ्स, ऐसे ऑलरेडी जीआर निकला है राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट में, ये एडॉप्शन ऑफ बायलॉज रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी डीम्ड कन्वेंस एंड मनी लेंडिंग लाइसेंस एंड ऑल दिस हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट।